गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम ओ की मात्रा और औ की मात्रा पढ़ने जा रहे हैं। देखो बच्चों, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, गोभी, मोर, ओढ़नी, ओखली, फौजी, नौका, हथौड़ी, पकोड़ी। तो बच्चों देखो, हम इस गोभी को गोभी बोलेंगे, गौ भी नहीं बोलेंगे, मोर को मोर बोलेंगे, मऊर नहीं बोलेंगे, ओढ़नी को ओढ़नी बोलेंगे, औढ़नी नहीं बोलेंगे, ओखली को ओखली बोलेंगे, औखली नहीं बोलेंगे। वैसे ही इस जो ये जो फौजी है, इसको हम फौजी बोलेंगे, फौजी नहीं बोलेंगे। नौका को हम नौका बोलेंगे, नौका नहीं बोलेंगे। हथौड़ी को हम हथौड़ी ही बोलेंगे, हथौड़ी नहीं बोलेंगे। पकौड़ी को हम पकौड़ी बोलेंगे, पकौड़ी नहीं बोलेंगे। तो ऐसे करके हम, जैसे हमने ए की मात्रा में और ए की मात्रा में अंतर समझा था, वैसे ही ओ की मात्रा में और औ की मात्रा में हमें अंतर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ओ की मात्रा में क्या अंतर है और औ की मात्रा में क्या अंतर है। बच्चों यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं ओ की मात्रा के, औ की मात्रा के। तो बच्चों आपको ये खुद से रीड करना है, इसको समझना है कि ओ की मात्रा में और औ की मात्रा में क्या अंतर है। गोल, मोल, खोल, बोल। तो वैसे ही इसको हम बोलेंगे कौन, मौन, फौज, हौज। इसी प्रकार से हमें ओ की मात्रा में और औ की मात्रा में अंतर समझना है, इसको रीड करना है। बच्चों आपको खुद से रीड करना है और इसको अच्छे से समझना है। बच्चों हमारी इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर 2 की ऑल एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम इसमें एक्टिविटीज करने जा रहे हैं। पेज नंबर 15 दिया गया है। यहाँ पर बच्चों कुछ एक्टिविटीज दिए गए, जैसे यहाँ पे राइट हो रखा है, री राइट दिस सेंटेंस स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर एंड एंड विद क्वेश्चन मार्क। बच्चों यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा हुआ है, व्हाट इज योर नेम, तो इसमें ना तो ये कैपिटल लेटर है ना ही यहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो बच्चों बहुत ही इजी है, आपको इसी प्रकार से आपको ये सेंटेंस देख करके स्टार्टिंग वाला वर्ड हमें क्या करना है, कैपिटल लेटर करना है, और लास्ट में हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। और इसमें कुछ भी नहीं है, सेम उतारना है आपको। जैसे लिखा हुआ व्हाट इज योर नेम, तो हमें बस वही उतारना है, व्हाट इज योर नेम। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग का जो वर्ड है वो कैपिटल ही होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग का जो वर्ड हम जब भी हम वर्ड कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो हम स्टार्टिंग का वर्ड कैपिटल लेटर ही लिखते हैं। और अगर हम किससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पर, व्हाट इज योर नेम, हु इज योर प्रिंसिपल, व्हाई आर यू लाफिंग, वेयर डू यू लिव, वेन इज योर बर्थडे। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन हैं और यहाँ पे हमें सारे क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन मार्क लगाया है। आपको इसी प्रकार से ये अपनी बुक में राइट करना है। टर्न द पेज बच्चों, आगे भी जाके कोई एक्टिविटीज दे है इसके अंदर, जैसे राइट हो रखा है, पुट अ टिक मार्क फॉर द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स विच आर सेंटेंसेज एंड क्रॉस मार्क फॉर दोज विच आर नॉट, वन हैज बीन डन फॉर यू। बच्चों हमें ये सेंटेंस रीड करने हैं, इनको रीड करके हमें देखना है कि सेंटेंस राइट है या फिर रॉन्ग है। जैसे लिखा हुआ है निशा इज ए गर्ल, तो बच्चों ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है, इसमें कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं है, इसलिए हमें इसके सामने राइट लगाना है। ये लिखा हुआ है मुंबई सिटी बिग इज ए, तो बच्चों ये सेंटेंस रॉन्ग है, ये सेंटेंस होना चाहिए था मुंबई इज ए बिग सिटी, ये सेंटेंस होना चाहिए था मुंबई इज ए बिग सिटी, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग है, हमें यहाँ पे रॉन्ग लगाना है। रोज इज ए फ्लावर, ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है, इसलिए हमें यहाँ पे राइट लगाना है। द सन इज ए स्टार, सन स्टार थोड़ी ना है बच्चों, तो ये सेंटेंस भी रॉन्ग है, इसलिए हमने यहाँ पे रॉन्ग लगाया है। टीचर यू आर, यू ए आर, अब ये सेंटेंस यहाँ पे रॉन्ग आ गया बिल्कुल भी, इसको बोलने में कितना अटपटा सा लग रहा है, टीचर यू ए आर, यही सेंटेंस होना चाहिए था यू आर ए टीचर, इसलिए ये सेंटेंस भी रॉन्ग है। आगे लिखा हुआ है ताजमहल इज इन आगरा, ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है बच्चों, इसलिए हमने यहाँ पे लगाया है राइट का निशान, ताजमहल इज इन आगरा। ठीक है बच्चों, आपको इसी प्रकार से राइट और रॉन्ग लगाने हैं, इन सेंटेंस को रीड करना है पहले और देखना है कि कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है कौन सा सेंटेंस राइट है, इसी प्रकार से आपको ये भी बुक में ही करना है। आगे बढ़ते हैं, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, वन हैज बीन डन फॉर यू। बच्चों यहाँ पर ये जो वर्ड्स दिए गए हैं वो आगे पीछे उल्टे सुलटे लिखे हुए हैं, अपन को
ये करना है कि इसमें से वर्ड जो सेंटेंस होता है ना उसको उसका सेंटेंस बनाना, इन वर्ड्स का सेंटेंस बनाना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ बॉय टॉल ए ही इज, ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये बोलने में बहुत अटपटा सा लग रहा है। ही इज अ टॉल बॉय, ये बोलने में अच्छा लग रहा है और राइट भी यही है। तो आगे लिखा हुआ है फ्रूट मैंगो इज ए, अब ये कैसे सेंटेंस हो गया, ऐसा कोई सेंटेंस होता ही थोड़ी ना है। तो इसका हमने सेंटेंस बनाया है मैंगो इज ए फ्रूट। तो आपको बच्चों इसी प्रकार से अपनी बुक में राइट करना है। रीडिंग चिल्ड्रन आर दीज, अब ये क्या सेंटेंस हुआ, इसका सेंटेंस होता है दीज चिल्ड्रन आर रीडिंग, दीज चिल्ड्रन आर रीडिंग। तो आपको ये भी इसी प्रकार से अपनी बुक में राइट करना है। फोर्थ नंबर पे है सिंगिंग चिल्ड्रन दीज आर, इसका राइट करेंगे अपन दीज चिल्ड्रन आर सिंगिंग, दीज चिल्ड्रन आर सिंगिंग। तो बच्चों आपको इसी प्रकार से अपने बुक में राइट करना है। आगे की जो एक्टिविटीज है वो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है बच्चों, आपको ये इंग्लिश का वर्क इसी प्रकार से आपकी बुक में राइट करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम ईवीएस सब्जेक्ट की तरफ। ईवीएस में हमने चैप्टर 3 की क्वेश्चन पढ़ भी लिया, उसको चैप्टर को रीड भी कर लिया है, समझ भी लिया है, उसकी ऑल एक्सरसाइज कंप्लीट भी कर ली है। आज बच्चों हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। तो आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक ओपन करनी है और अपने ईवीएस की नोटबुक में इस टाइप से आपको क्वेश्चन आंसर्स राइट करने हैं। ऊपरी ऊपर चैप्टर 2 डालना है, ईवीएस डालना है, हेडिंग डालनी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है डिफाइन फैमिली, डिफाइन फैमिली यानी फैमिली कैसी क्या होती है उसको डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है डिफाइन फैमिली, इसका आंसर दिया गया है बच्चों पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन टुगेदर मेक अ फैमिली, पेरेंट्स यानी माता पिता और जो बच्चे होते हैं वो साथ साथ रहते हैं उसको परिवार कहते हैं। बच्चे और माता पिता जो साथ साथ रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, परिवार यानी कि फैमिली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, आप इसको आंसर नंबर 1 को अच्छे से देख लीजिए पहले। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज अ स्मॉल फैमिली, छोटा परिवार क्या होता है। आंसर नंबर 2 दिया गया है पेरेंट्स एंड 1 or 2 चिल्ड्रन मेक अ स्मॉल फैमिली, माता पिता उनके एक या दो बच्चे जो होते हैं वो होता है एक छोटा परिवार। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है व्हाट डज द फादर डू फॉर अस, आपके पापा आपके लिए क्या करते हैं। इसका आंसर दिया गया है आंसर नंबर 3 में दिया गया है फादर अर्न्स मनी फॉर अस, पापा जो हैं वो हमारे लिए पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया बच्चों व्हाट डज द ब्रदर डू फॉर अस, आपका भाई आपके लिए क्या करता है। इसमें आंसर दिया गया है ब्रदर हेल्प्स इन स्टडीज फॉर अस, हमारा जो भाई है वो हमारी पढ़ाई में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया बच्चों हु टेल्स द स्टोरीज टू द चिल्ड्रन, हमें कहानियां कौन सुनाता है, बच्चों को जो कहानियां सुनाते हैं वो कौन सुनाता है बच्चों। इसका आंसर है ग्रैंड पेरेंट्स टेल्स स्टोरीज टू द चिल्ड्रन, बच्चों को उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं ना दादा दादी वो क्या सुनाते हैं, स्टोरीज सुनाते हैं यानी कि कहानी सुनाते हैं। तो बच्चों आपको इसी प्रकार से आपकी ईवीएस की नोटबुक में राइट करना है, साथ में लर्न करना है। लर्न करने के बाद में आपको रफ नोटबुक बुक में इसको राइट करके देखना है कहाँ पर आपकी मिस्टेक्स है, वहाँ पर उसको करेक्शन करना है। उसके बाद में जो करेक्शन आप कर रहे हो उसको वापस से लर्न करना है और उसको वापस से रीड लर्न करने के बाद में वापस से राइट करके देखना है। ठीक है बच्चों,